पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। लक्ष्मी, तुमने जो कुछ भी अभी कहा है तुम ऐसे साउंड कर रही हो जैसे तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। सब कुछ मेरी वजह से, क्योंकि तुम हो, ऐसा ही है। नहीं लक्ष्मी, ऐसा ही है ऋषि, ऐसा ही है। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। डैड बुलाती है मेरी पारो तुम्हें। अगर तुम्हारे रोहन के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो, अगर रोहन ने ऐसा कुछ किया होता तो, अगर रोहन के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता तो क्या तुम्हारा परिवार रोहन के साथ भी ऐसे ही करता जैसा मेरी पारो के साथ किया है? अब कुछ नहीं है ना बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। इसीलिए तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं है ना? जवाब है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जवाब की, ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही किसी और चीज की। मैं अपनी बेटी के लिए अकेली काफी हूँ और मैं उसे अकेले यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊंगी। और हिम्मत भी मत करना ऋषि ओबेरॉय उसके पास आने की। मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, यहाँ से दूर, तुमसे दूर और तुम सबसे दूर। जो कुछ भी कहना था कह दिया ना तुमने, पूरी बात भी सुन ली मैंने, लेकिन अभी भी मुझे एक बात का जवाब चाहिए। जिस दिन पारो का जन्म हुआ तब से तुम आराम क्यों नहीं कर सकती थी, बीमार क्यों नहीं पड़ सकती थी? क्यों तुम्हें ही पारो के आसपास रहना था? क्यों तुम्हें ही उसकी हिफाजत करनी थी? कहाँ है उसका सोकॉल्ड पिता? यहाँ आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है मुझे, कहाँ है वो? क्यों पारो के साथ नहीं थे? क्यों अपनी बेटी के साथ नहीं थे वो? पारो मुझे डैड कह के बुलाती है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे पारो के लिए आया हूँ मैं आया हूँ, उसके सोकॉल्ड डैड नहीं आया यहाँ पे, मैं आया हूँ ना, कहाँ है वो? तुम अभी भी ये सवाल पूछ रहे हो कि उसके डैड कहाँ है तुम, जबकि अभी तुम क्या लक्ष्मी? अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो उसके डैड, उसके पिता उसे जिंदगी देते हैं। डैड की जिम्मेदारी होती है उसके बच्चे, अपने बच्चे की हिफाजत करना। अगर बच्चा मुसीबत में होता है ना तो उसके डैड खड़े होते हैं उसके साथ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी बेटी के लिए, पारो के लिए खड़ा हूँ। उसके सोकॉल्ड डैड आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं खड़ा हूँ। जवाब नहीं है तुम्हारे पास इस बात का? हाँ, मुझे तो उसके डैड कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं खड़ा हूं अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ लक्ष्मी? शालू, मैंने अभी तक तुमसे एक सवाल नहीं किया, जब से वापस आई हूँ एक सवाल नहीं पूछा मैंने। शालू, मैंने डिसाइड किया था हम नॉर्मल रहेंगे, तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा तुमसे। मुझे बस इतना बताओ कि अगर पारो के पिता हैं तो लक्ष्मी भाभी को अभी तक उनका साथ क्यों नहीं मिला? बोलो ना, अगर पारो के पिता हैं तो भाभी का साथ क्यों नहीं दिया उन्होंने? शालू बोलो ना यार, शालू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।